तो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत है। तो अभी मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो है एक माय हीरो एकेडमिया का कैरेक्टर। तो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि गाइस कितनी आसानी से जो है ना आप शेडिंग कर सकते हो, तो कितनी आसानी से आप बना सकते हो बाय स्टिक। तो गाइस देखो, मैंने सबसे पहले से यहाँ पे सर्कल बना दिया, देन यहाँ पे मैंने मिडल में लाइन खींच दिए है ना सेंटर के लिए, देन मैंने जो है इसकी एक जो चिन होती है ना उसमें मैंने अटैच कर दिया है इसको। तो गाइस ज़्यादा नहीं करना, बस यही सब करना है आपको। अब मैं मिडल में लाइन खींच रहा हूँ नेक के स्पेस के लिए, दोनों स्पेस जो है बराबर होने चाहिए मिडल लाइन के। मैंने शोल्डर के लाइन खींच दिए मैंने, है ना। अब मैं जो है हैंड बना रहा हूँ। तो हैंड बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो हैंड है ना वो आपके फेस से जो है कितना दूर है। उस चीज़ का अगर ध्यान रखोगे ना तो आपका प्रिपोजिशन जो है ना कभी नहीं बिगड़ेगा भाई, सच बता रहा हूँ। देखो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर मुंह किस हाथ से कितना दूर है या हाथ मुंह से कितना दूर है, पैर कितना दूर है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो। जैसे कि अब देखो इसने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से होल्ड कर रखा है ना, तो मैंने उसको कुछ कुछ इस तरीके से बना दिया है। तो अब मैं नीचे की कमर बना दी, मैंने उसके लेग के लिए मैंने दो लाइन खींच दी। तो ये स्टिक ड्राइंग है, ये काफ़ी हद तक जो है ना आपके, मैं हमेशा ड्राइंग को बोलता हूँ कि भाई ये करोगे तो मज़ा आ जाएगा। देखो अब मैंने बीच में जो मिडल में लाइन खींची थी ऑलमोस्ट सर्कल ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द सर्कल, तो आपको उसमें लाइन खींच के इसमें आइज़ बना देनी है। तो हाफ आइज़ जो है मिडल लाइन के ऊपर रहेगी, हाफ आइज़ नीचे रहेगी। अभी आईब्रो बना दिए है ना, अब मैंने फेस बना दिया है। आइए अब मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि विजिबल हो जाए। पता नहीं क्यों जितनी भी डार्कनेस कर लूँ मैं कैमरे में इतनी डार्कनेस आती नहीं है, जबकि मेरे को ये सामने से काफ़ी डार्क लगती है। तो थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। अब मैं हेयर बना रहा हूँ। देखो अगर आप कुछ चीज़ें जो है ना एक पर्सनैलिटी को शो करती है, जैसे कि अब ये थोड़ा सा ये कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा कि भाई गोकू टाइप का है, कि भाई करना है तो करना है। बेशक इसके पास कोई पावर नहीं थी है ना, मगर इसने करा तो भाई करा। वन फॉर ऑल इसने आखिरकार हासिल कर ही लिया है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई देखो अगर हेयर वेयर बना रहे तो वो उसकी कैरेक्टर को सूट करेगा, इसलिए हेयर को भी ऑलमोस्ट सेम ही बनाओ है ना। बस वही आप देखो हेयर को भी आपको उसी तरह से मेजर करना है कि हेयर जो है इसकी आईज से कितना दूर है। देखो अब एक हेयर जो था ऑलमोस्ट आईब्रो को क्रॉस करता हुआ आईज को टच कर रहा था, तो मैंने वो भी किया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, आपकी ड्राइंग जो है बेहतर होती चली जाएगी। बस इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो काफ़ी अच्छा होगा। देखो अब जो आई बोल है इसका अंदर का वो ऑलमोस्ट जो आई का ऊपर वाली लाइन है उससे अटैच हो रहा है ना, बस हल्का सा गैप है, उस चीज़ का मैंने ध्यान रखा। मैं जो सेकेंड आई बोल बनाऊंगा वो हल्का सा जो है वो और ऊपर है ना। अब ये मैं इसके मतलब इसका सूट है ना, अब कुछ तो होगा ही है तो वो बना रहा हूँ मैं। आपको अपनी ड्राइंग में बस यही ध्यान रखना है कि भाई जो है कौन सी चीज़ कहाँ पे और कितने करीब है एक दूसरे के, उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये थोड़ी सी बाइक वाइक का जो नॉइस आएगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई मैं रात को वैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ मगर मेरा एक दिन डिले हो गया, तो मेरे को अभी मिडल ऑफ इवनिंग ही करना पड़ रहा है ये रिकॉर्डिंग। मैं कोशिश करूँगा नॉइस कैंसिलेशन से इसकी जो बैकग्राउंड नॉइस है मैं हटा दूँ, बाकी देखते हैं। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट ही कंप्लीट कर लिया है ना। अब देखो मैंने मिडल सेंटर जो लाइन खींच दी थी, अब उसी के अंडर जो है इसका ये मास टाइप का कुछ आ गया है ना, हाफ पार्ट इधर हो गया हाफ पार्ट इधर हो गया। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सा पार्ट किधर है। तो अभी ऑलमोस्ट ये इसका मास टाइप का कुछ कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ होल है वो बना रहा हूँ मैं। अब होल भी ऑलमोस्ट जो उसके मास के उसके करीब है, थोड़ी सी मैंने फास्ट कर दिया ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको ऑलमोस्ट इसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। ये मैंने शोल्डर को ये आप देखो अगर आप जो ड्राइंग करते रहोगे ना आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि जो शोल्डर की लाइन है वो कहाँ तक जा रही है ना, खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो है बस छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलो, छोटी छोटी इवन हेयर, आपको हेयर भी काउंट करने हो पड़े तो करो
अगर आपको एक सेम टू सेम कुछ बनाना है तो, है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं कुछ कुछ चीज़ों को हम जो है ना छोड़ देते हैं कि यार छोड़ना इससे क्या प्रॉब्लम होगी, मगर एट द लास्ट क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी होल ड्राइंग को और हमारी मेहनत को। तो कोशिश करो कि हर पार्ट को एकदम सेम टू सेम बनाया जाए। अगर आप कोई कैरेक्टर बना रहे हो, एक इमेजिनेशन ड्राइंग, तो फिर आपकी इमेजिनेशन ना तक हो जाएगी, मगर जब आप कॉपी कर रहे हो और आपको दूसरों को दिखाना है कि यार देखो मैंने ये बनाया, और वो जस्ट एक एक पहली नज़र में ही वो पहचान जाए कि भाई ये क्या है, तो आपको जो है हर पार्ट को ध्यान समझ के करना पड़ेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हो ना, तो फ्यूचर में जाके ना आपको जस्ट जस्ट मेजरमेंट ना किसी चीज़ से करने की जरूरत नहीं है, आपकी आईज खुद पहचान जाएगी। जस्ट लाइक एक शॉपकीपर, जैसे मैं बात बता रहा था कि भाई अगर वो कुछ बेच रहा है तो उसको आइडिया हो जाता है कि भाई इतने अगर मैं डालूंगा तो इतने ग्राम का बैठेगा। सेम टू सेम वैसे ही है। अब ये मैंने हेयर भी बना दिए हैं, हेयर में मैंने देख लिया है कि भाई इतने तक जो है इसमें शेडिंग हो रखी है, तो मैंने इस शेडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी लाइन खींच के फिर मैं शेडिंग कर रहा हूँ उसके अंदर, ताकि वो पार्ट देखो आपका ये भी इसमें ये भी है कि देखो जो ब्राइटनेस है, जो लाइट है, वो कहाँ से पड़ रही है, है ना, तो उस हिसाब से जो है इसके अंदर शेडो डलती है। जो नीचे के बाल हैं वो डार्क आएंगे, जो ऊपर के बाल हैं वो लाइट ही रहेंगे। तो ये ऑलमोस्ट शेडिंग ख़त्म होने वाली है मेरी, मैंने हर पार्ट पे कर दी है ना। तो आपको भी उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइट कहाँ से पड़ रही है। अगर लाइट साइड में से पड़ रही है तो जब अगर लाइट लेफ्ट में पड़ रही है तो राइट में शेडो आएगी, राइट में पड़ रही है तो लेफ्ट में शेडो आएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मैं आईब्रो बना दिए एक, दूसरा मेरे को फिर भी डार्कनेस लेने को चाहिए थी, इसलिए मैं और डार्कनेस कर दी बीच में करते करते, है ना। थोड़ा सा मैंने लाइट कर दिया क्योंकि लाइंस आ रही थी जो मैंने रिफरेंस लाइन ली थी, तो मैंने ये लाइन ले ली है। अब जो है मैं इसकी जो हेयर के नीचे शेडो आ रही है और फेस पे जो शेडो आ रखी है वो मैं पूरी लाइन खींच रहा हूँ कि भाई यहाँ तक जो है मेरी शेडो रहेगी। मैंने ऊपर का थोड़ा और डार्क कर दिया ताकि नीचे की शेडो जो है लाइट दिखाई दे उसके सामने ना। मैंने फेस को भी विजिबल कर दिया, उसके लिप्स को, शोल्डर के जो नेक है उसके नीचे थोड़ा शेडो डाल दिया, जो नेक है उसके नीचे थोड़ा डार्क दे दिया, और मैं बाकी कर ही रहा हूँ। तो आपको ड्राइंग में यही ध्यान रखना है कि भाई मेरे को अपनी एक पार्ट से दूसरे पार्ट का स्पेस कितना दूर तक लगे उस, बस ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो आइज हो, बीच का मिडल का स्पेस हो, या नाक का, या नाक से मुंह तक का, इन सब चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है कि भाई कोई ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि जैसे भी ऊपर नीचे हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो फिर मैच नहीं करेगा, है ना। तो आप जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखो कि भाई एक पार्ट दूसरे पार्ट से कितना दूर है, मिली इंच तक का भी अगर फ़र्क हो ना तब भी आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसे मैंने इस चीज़ में ध्यान रखा। जस्ट आप प्रैक्टिस करते रहो आपका, क्योंकि देखो हमारी जो ड्राइंग इसलिए ही बिगड़ती है क्योंकि हम जो है कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना, हर चीज़ को साथ में लेके चलनी है कि भाई करना है तो करना है, दैट्स इट। भाई जो है मैंने ये ड्राइंग के सारे शेडो कर दिए। बाकी इस कैरेक्टर के बारे में तो बहुत पता होगा आपको, यार गजब का कार्टून है, मैं तो कहूँगा देखो एक बार अगर आप एनिमे लवर हो तो। ये बंदा जो है ना बहुत मेहनती है भाई, मतलब इंस्पायर करेगा भाई आपको भी, देखो कि एक अगर किसी चीज़ को अचीव करना है तो कैसे मेहनत करनी है। अब उसमें रोता भी काफ़ी है ये कि यार नहीं करना है तो करना है ना, दोस्तों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा वो होता है। तो ऐसे ही देखते रहो, फिरेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग कैरेक्टर के साथ, अलग कहानी के साथ। Thank you.